हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी टाइम से हमने पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं की है वीकली करंट फीलिंग वाली, तो आज हम वही करने वाले हैं। वीकली करेंगे करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। और आज के लिए ऑप्शंस जो मैं आपको देने वाली हूँ वो मेरे पास प्रसाद भी पड़ा हुआ है, तो हम वही ले लेते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन यू हैव दिस मिश्री, राइट, मिश्री चूज कर सकते हैं। दिस इज पाइल नंबर वन। एंड फॉर पाइल नंबर टू आप चूज कर सकते हैं ये ड्राई फ्रूट, राइट। तो आप कुछ भी एक चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास प्रसाद पड़ा था, तो दिस इज मिश्री इज लाइक पाइल नंबर वन एंड ड्राई फ्रूट्स इज लाइक पाइल नंबर टू। तो जो भी आपको ड्रॉन फील कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। सो लेट मी बिगिन विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, जिन्होंने मिश्री चूज की है, तो जल्दी से देख लेते हैं। पाइल नंबर वन, विद इन नेक्स्ट वन वीक जो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आप लोगों के लिए क्या रहेगी वो चेकआउट करने वाले हैं हम। पाइल नंबर वन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या रहेगी अगले एक हफ्ते के भीतर भीतर। ओ माई गॉड, टेन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। तो आपका पार्टनर जो है आपको, आप उनके लिए एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन की तरह हैं। आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करने वाला है आपके साथ, ठीक है, लाइक अ होम, लाइक अ फैमिली एंड ऑल। तो दिस इज़ लाइक अ डीप डिज़ायर ऑफ योर पार्टनर। तो अगले एक हफ्ते में उनकी जो डीप डिज़ायर रहने वाली है वो है टेन ऑफ कप्स विद यू। मीन्स दे वॉन्ट इमोशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम यूर साइड, राइट, बिकॉज ओनली यू आर द वन हु गिव दम डैट सॉर्ट ऑफ अ इमोशनल सेटिस्फेक्शन। यू आर द रीज़न ऑफ देयर हैप्पीनेस। सॉरी मैं इंग्लिश में स्टार्ट हो जाती हूँ फ्रेंड्स। तो आप ही रीज़न है अपने पार्टनर के खुश होने का, उन्हें इमोशनल सेटिस्फेक्शन देते हैं आप। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर। अगले एक हफ्ते में उनकी जो ऊर्जा आपके लिए है वो ऐसी रहने वाली है कि आप उनके लिए उनका जहान है, वर्ल्ड है, ठीक है। आपके साथ वो जो है डे ड्रीमिंग करेंगे कि हस्बैंड वाइफ इस तरीके से कुछ टाइम स्पेंड करें, हस्बैंड वाइफ, बच्चे हों, सब कुछ हो, घर हो, तो इस तरीके के उनके ख्यालात रहेंगे आपके प्रति। पाइल नंबर वन। और कार्ड्स निकाल लेते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, चाहते तो आपके साथ टेन ऑफ कप्स हैं, ये तो उनकी डीप डिजायर है, बट सिचुएशन फेवर में नहीं है अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर। यहाँ पे सिचुएशन जो है लूज लूज सिचुएशन है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि यहाँ कोई बात बन नहीं सकती, कोई सिचुएशन जो है वो फेवर में नहीं है, ठीक है। वो आप लोगों को पता होगा क्या सीन चल रहा है, डिजायर तो काफी है बट सिचुएशन फेवर में नहीं लग रही है। यहाँ जब वो थिंकिंग करते हैं तो नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है थोड़ी आपके पार्टनर की। सन अगेन, हैप्पीनेस, यू आर द रीजन ऑफ हैप्पीनेस। आपके पार्टनर के आप रीजन हैं खुश होने के, उनकी सोल को सेटिस्फाई करते हैं आप, ना सिर्फ इमोशनल लव और ना सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पे नहीं, बल्कि आप उनकी सोल को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। चलिए और कार्ड निकाल लेते हैं। अगले वन वीक में आपके पार्टनर के क्या रहने वाले हैं आपके लिए फीलिंग्स। मजिशियन आया है, एस ऑफ कप्स आया है, लव बहुत है यहाँ, लव की कोई कमी नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से। बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने वाले हैं अगले एक हफ्ते में आपका पार्टनर आपके लिए, और आपको कहीं ना कहीं, हालांकि जानते हुए कि जो सिचुएशन है वो फेवर में नहीं है, उसके बावजूद आपका पार्टनर जो है आपको कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट कर रहा है, बिकॉज यू आर लाइक, आप उनकी डीप डिज़ायर हैं, आपके साथ ही उन्हें खुशी मिलती है, आपके साथ उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कुछ अच्छा पहने ना पहने, अब जैसे हैं आप उनको लाइक करते हैं, तो आपके साथ एक वो कंफर्ट जोन फील करता है आपका पार्टनर। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है, जो कि फुल ऑफ इमोशनल सेटिस्फेक्शन क्योंकि आप देते हैं। तो यहाँ लव और इमोशंस बहुत हैं, और साथ ही साथ ये इंसान जो है बैकग्राउंड में बैठ के आपको मैनिफेस्ट करने में लगा हुआ है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं। अगले एक हफ्ते में आपके पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या रहेगी। ये तो बात थी फीलिंग्स की, अब देखेंगे रियल में एक्शन कुछ लेगा आपका पार्टनर आपके लिए या नहीं। तीन कार्ड लेंगे। तो वाओ, फोर ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड और लेंगे। रियल में अगले एक हफ्ते में कुछ यहाँ पे एक्शन लेगा या नहीं। फाइव फाइव की ऊर्जा, कुछ तो यहाँ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्या ये एक हफ्ते के अंदर कोई एक्शन लेगा आपकी तरफ आपका पार्टनर जो भी है। जस्ट वन मोर कार्ड, ओके।
सो वी हैव टू कार्ड्स हेयर, नाइन ऑफ पेंटिकल एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ एक चीज तो कंफर्म है कि लव और पैशन और अट्रैक्शन की कोई कमी नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। बट साथ ही साथ यहाँ लूज लूज सिचुएशन है, सिचुएशन किसी तरीके से अनफेवरेबल है आप दोनों के बीच में, या कुछ आर्ग्यूमेंट्स लड़ाई झगड़े हुए हैं, या मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनके अपने ही दिमाग में कुछ उथल पुथल मची हुई है। आपका जो पार्टनर है अगले एक हफ्ते में जो है सिंगल रहने वाला है, नाइन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, या फिर ये आपकी ऊर्जा है, आपको आपका पार्टनर जो है एडमायर करता है आपके लिए, जो इतना पैशन और अट्रैक्शन है वो इसलिए है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हैं। मतलब आपके साथ कोई हो ना हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना हर एक काम खुद कर सकते हैं, खुद सेल्फ सफिशेंट हैं, ठीक है, अपनी टेक केयर खुद करते हैं। हाई वाइब्रेशन में अगर आप टोटली कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई है और आप वेटिंग मोड में नहीं है ऐसे इंसान के लिए, तो ये इंसान जो है ना बहुत स्ट्रांग डिज़ायर लव और अट्रैक्शन हो रही है इस इंसान को आपसे। जो भी मेरे व्यूअर्स टोटली सेल्फ लव कर रही हैं, कोई लोचा नहीं है इमोशनल, ठीक है, अपने आप में खुश हैं, तो ये इंसान जो है ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है और साथ ही साथ यूनियन चाहता है आप लोगों के साथ। और अब कर लेते हैं उन लोगों की बात जो अभी भी यहाँ पे कोडिपेंडेंसी में हैं, अभी वेटिंग मोड में हैं, अभी इंतज़ार कर रही हैं अपने पार्टनर का। देन आपका पार्टनर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई है, ये ऊर्जा फिर आपके पार्टनर की है। हालांकि ये ऊर्जा होते हुए भी आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ, ठीक है, और आपके साथ यूनियन भी चाहता है, बट ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रोक जाते हैं। तो यहाँ पे जो लोग सेल्फ लव कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एक मेरे को एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, यूनियन और एक न्यू बिगिनिंग, डेफिनेटली टू एसीज हैं यहाँ। जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव में हैं, जो इस इंसान को चेज नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्ट्रांग मैसेज ये है कि ये इंसान आपको पूछ सकता है न्यू बिगनिंग के लिए, या यूनियन होने के चांसेस है जितने मर्जी कन्फ्लिक्ट्स हों, बट अगर आप नाइन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में हैं, सेल्फ लव में हैं, देन ये इंसान एक नई शुरुआत चाहता है आपके साथ, हाईली यूनियन चाहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी भी कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ में, अभी आपके जो है हीलिंग प्रॉपर नहीं हुई है, देन ये जो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स और फाइव ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है ये कहीं ना कहीं उस एक्शन को दबा देगी। तो यहाँ आपके लिए एक तरह का एक एडवाइस भी मेरी तरफ से ये है फ्रेंड्स कि आप जितना हो सकें सेल्फ लव कीजिए, राइट। बट एक बात कन्फर्म्ड है कि लव बहुत है इस इंसान को आपसे, ठीक है, पैशन अट्रैक्शन बहुत है, ये इंसान चाहता है यूनियन आपके साथ, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट भी करता है, ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत भी चाहता है, ये इंसान आप उनके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट भी हैं, आप उनकी रूह को खुशी भी देते हैं, ये सारी बातें जो हैं वो सच हैं। बट उनका एक्शन जो लेने का है वो डिपेंड करता है कि आप अपने आप में कितने बैलेंस हैं, राइट। तो ये तो थी हमारी रीडिंग, चलिए कुछ लव मैसेजेस ले लेते हैं। फॉर पाइल नंबर वन, कुछ लव मैसेजेस पाइल नंबर वन वालों के लिए। आपका पार्टनर आपको क्या कहना चाहता है? ओके, यहां है हमारे पास गिविन गिविन फॉर माई टच, फॉर माई टेस्ट, फॉर माई लस्ट। यहाँ अट्रैक्शन बहुत है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ इमोशंस भी हैं, अट्रैक्शन भी है, स्ट्रांग अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ। आई हैव ट्राई टेलिंग यू द ट्रूथ सो मैनी टाइम्स बट आई जस्ट कैन नॉट फॉर सम रीज़न। तो कुछ बातें हैं जो इस इंसान को लगता है कि आपको बता देनी चाहिए जो अभी तक नहीं बताई गई हैं। यू आर हीलिंग माई सोल बट इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। आप उनकी रूह को हील करते हैं, खुश करते हैं, हीलिंग की तरह हैं आप अपने पार्टनर के लिए। आपके साथ वो जब भी मिलते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो बूस्टअप हो जाती है। आई एम बर्निंग विद पैशन फॉर यू, अगेन अट्रैक्शन बहुत है यहाँ। एंड लास्ट कार्ड, आई हैव नो वर्ड्स फॉर योर काइंडनेस एंड जेनरोसिटी। अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर आप बहुत काइंड नेचर के हैं। चलिए कुछ एंजल्स की गाइडेंस भी ले ली जाए इस कनेक्शन को लेकर। इस कनेक्शन को लेकर कोई एडवाइस मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, यहाँ हमारे पास है इनडिसीजन एंड नेक्स्ट वी हैव द वुमेन होल्डिंग हार्ट। तो यहाँ एक बहुत ही केयरिंग वाली ऊर्जा है और डिसीजन नहीं अभी तक लिया गया है, ठीक है, लव है यहाँ।
लव है लेकिन डिसीजन नहीं लिया जा रहा है यहाँ। 44 8, 4+4 अगेन 8, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है और 8 नंबर अगेन ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है। यहाँ किसी ना किसी वे में जो है सेल्फ लव कोई सीख रहा है, या तो आपका पार्टनर या तो आप, किसी को ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत थी इस कनेक्शन में। एक इंसान बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, क्वीन ऑफ कप्स, और वो मुझे लग रहा है वो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, इमोशनल हैं, लेकिन यहाँ डिसीजन जो है या तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से अभी लिया नहीं जा रहा है, तो यहाँ इनडिसीजन की स्टेट चल रही है। चलिए, ये तो था आपके कनेक्शन को लेकर के, अभी यहाँ पे कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं लिया जा रहा है इस कनेक्शन को लेकर, वो चीज़ सामने आई। और अब हम मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस लेंगे, वो तो थी आपके रिलेशन के लिए, अब हम एडवाइस लेंगे व्यूअर्स के लिए, आपके लिए कोई पर्सनल एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से। पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए, ओके, हमारे पास आ चुका है कार्ड बर्थ। देखिए मैंने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन, बर्थ का कार्ड आ गया। बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली ऊर्जा है, या तो आप लोग सेल्फ लव पहले खुद को इतना नहीं करते थे, चेज करते थे अपने पार्टनर को, तो यहाँ सेल्फ लव आप लोगों ने सीखा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, रीबर्थ प्रोसेस हुआ है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, या कोई न्यू आइडिया भी आने वाले वक्त में एक हफ्ते के अंदर कोई न्यू आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है, कोई सिचुएशन नई पैदा हो सकती है। यहाँ पे एक तरह का रीबर्थ, मतलब किसी चीज़ की नई शुरुआत, वो चीज़ दिख रही है कुछ लोगों के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन, दोबारा से रीबॉर्न होना, अपनी ओल्ड सेल्फ को डिस्ट्रॉय करके एक फिर से न्यू जो है फिर से अपने आप को क्रिएट करना, सेल्फ लव करना, तो वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। चलिए, ये थी आपकी रीडिंग फॉर 1 वीक। चलिए अब चलते हैं पाइल नंबर 2 वालों के पास। ओके फ्रेंड्स, सो हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने ड्राई फ्रूट सेलेक्ट किए थे, देन लेट्स चेक आउट अगले एक हफ्ते में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या रहने वाली है आप लोगों के लिए अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर। पाइल नंबर 2, लेट मी शफल। ओके, ये कार्ड जाना चाहते हैं। यहाँ हर्मिट कार्ड है, डेविल कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। यहाँ स्ट्रॉन्ग जो आपका पार्टनर है वो आइसोलेशन में मेडिटेशन करते हुए नजर आएगा, अकेले रहना पसंद करेगा अगले एक हफ्ते में। यहाँ कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही है आपकी और इस इंसान की, ठीक है, और उस चेन को यहाँ कट करने के लिए, उस साइकिल या कार्मिक साइकिल जो भी चल रहा है उसे कट करने के लिए यहाँ आपका पार्टनर जो है अभी कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज यूज़ कर रहा है, या कोई मेडिटेशन कर रहा है, इनवर्ड जा रहा है इन सम सॉर्ट ऑफ अ वे टू कट दिस कार्मिक सिचुएशन, टू कट दिस वट एवर द डेविल पार्ट। कोई एडिक्शन है अगर आपके पार्टनर को, या कोई कार्मिक और कोई कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है, ठीक है, कोई कार्मिक ज़रूरी नहीं है, थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड हो, कोई कार्मिक सिचुएशन है, या तो आपके साथ कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, या अगर आपको पता है तो एक और कोई यहाँ कार्मिक पार्टनर है जिसने काफ़ी यू नो तंग कर रखा है आपके पार्टनर को, पाइल नंबर 2, ठीक है, जिसकी वजह से जो है आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। आपका पार्टनर जो है अकेले रहना पसंद करेगा विद इन 1 वीक। सिचुएशन यहाँ टर्न अराउंड होते हुए नजर आ रही है, जो भी एक कार्मिक सिचुएशन थी ना, एक्सट्रीम लेवल ऑफ जो है आपके पार्टनर को उसने बॉदर किया है, देन उस कार्मिक सिचुएशन को काटने के लिए, चाहे वो मनी इश्यूज ही क्यों ना हो सिंपली, या कोई अल्कोहल या कोई बैड हैबिट, राइट, तो जो भी ये कार्मिक चीज़ थी उससे उभरने के लिए अब आपके पार्टनर ने जो है अध्यात्म का जो है रुख अपनाया है, मेडिटेशन, या फिर सिंपली आप कहें बिना मेडिटेशन करते हुए भी अपने अंदर झांकना, सेल्फ एनालाइजेशन करना कि हाँ मुझ में ये कमियाँ हैं और मुझे ये दूर करनी है। तो यहाँ एक चेंज आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में बिकॉज ऑफ देयर स्पिरिचुअल नॉलेज, और दे आर डूइंग समथिंग बिकॉज उन्होंने अभी जो अगला एक हफ्ता है ना वो यही है आपके पार्टनर के लिए, वो अकेला रहे, ठीक है, आप भी जो है अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम दें, अकेले जितना रहेगा उतना ही बेटर जो अपनी सिचुएशन है उसको हैंडल कर पाएगा। अभी आपका पार्टनर ना तो आपसे ना ही किसी और से डील करना चाहता, किसी से भी डील नहीं करना चाहता, खुद के अंदर झांकना चाहता है आपका पार्टनर यहाँ, और वो जो सेल्फ एनालाइजेशन करेगा वही एक बदलाव और एक चेंज लेके आएगा उसकी लाइफ में, इस डेविल एनर्जी से उभरने में मदद करेगा।
ये है डेविल, डार्क एनर्जी, और लाइट को सीख कर रहा है, सॉल्यूशन को सीख कर रहा है आपका पार्टनर, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है, राइट। चलिए दो कार्ड और लेते हैं। अगले एक हफ्ते में यही एनर्जी रहेगी, किसी से बातचीत नहीं करेंगे आपके पार्टनर, नो कम्युनिकेशन है यहाँ आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए अगले एक हफ्ते में। तो यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स और टू ऑफ वॉन्ड्स, वैसे तो एट ऑफ वॉन्ड्स जब वो कम्युनिकेशन का कार्ड है, बट यहाँ पे मुझे इसमें से कोई कम्युनिकेशन वाली ऊर्जा नहीं आ रही है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मैंने कहा था ना, चेंज आएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो यहाँ चेंज को दर्शा रहा है, ठीक है। तो बिकॉज आपका पार्टनर सेल्फ एनालाइजेशन करेगा, उसकी वजह से इस कार्मिक जो भी टॉक्सिसिटी है अपनी लाइफ से उसको एलिमिनेट कर पाएगा, लाइफ में कुछ चेंजेस ला पाएगा और फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। हो सकता है आपका पार्टनर स्टक हो, तो उस स्टकनेस से उभरता हुआ आगे बढ़ता हुआ, ठीक है, आगे मूव करता हुआ नजर आएगा और अपने लिए एक डिसीजन लेगा, एक हेल्दी डिसीजन लेगा अपनी वेल बीइंग के लिए। कोई क्रॉस रोड्स हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकता है, कुछ तो यहाँ पे दिमाग में क्लैरिटी नहीं आपके पार्टनर को जो वो पाने की कोशिश कर रहा है, कोई तो आंसर सीख करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और देन आपका पार्टनर जो है विद इन वन वीक आगे बढ़ता हुआ एक डिसीजन अपने लिए फाइनली ले लेगा यहाँ। चलिए और यहाँ नाइट ऑफ कप्स है, धीरे धीरे आपका पार्टनर जो है आपको अपना लव ऑफर देना चाहता है, बट ये जो है स्लो मूविंग एनर्जी है। चलिए एक हफ्ते के अंदर क्या कोई एक्शन लेगा आपकी तरफ या नहीं, तीन कार्ड लेंगे। पाइल नंबर टू, क्या आपका पार्टनर कोई एक्शन लेगा आप लोगों की तरफ या नहीं। सेवन ऑफ वॉन्स, दो कार्ड और लूंगी मैं, क्या कोई अगले एक हफ्ते में आपका पार्टनर कोई एक्शन लेगा आपकी तरफ या नहीं। अगेन स्लो मूविंग एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल, एक और लूंगी कार्ड में। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अगले एक हफ्ते में कोई भी मूव ये इंसान आपकी तरफ लेता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स टोटली डिफेंसिव रहेगा, अगर आप भी मैसेज करेंगे ये इंसान वॉल्स खड़ी कर देगा, बाउंड्रीज क्रिएट कर देगा, नहीं अभी ये किसी से डील नहीं करना चाहता, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया खुद को आइसोलेट करेगा, तो किसी से डील नहीं करना चाहता, इसे परेशान मत करिए, ठीक है। ये हील करना चाहता है अपने कुछ इश्यूज को, खुद ही अकेले बैठ के कुछ सोचना चाहता है, आत्म मंथन करना चाहता है, जो भी इश्यूज हैं उसको अच्छे से समझना चाहता है, उसके लिए कोई सोल्यूशन खुद ही ढूंढ रहा है, हीलिंग करना चाहता है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल, धीरे धीरे ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है अपना लव ऑफर लेकर, अपना सॉलिड ऑफर लेकर, ठीक है। लेकिन स्लो मूविंग एनर्जी है, विद इन वन वीक ये इंसान नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ इन फ्यूचर ये इंसान धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेते हुए विद इन 2 to 3 months ये इंसान जो है हो सकता है आपकी तरफ मूव ले, ठीक है। धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में है इसके ये, बट अभी इसका फोकस जो है वो अकेले रहना, खुद को हील करना, खुद की सिचुएशन को खुद एनालाइज करना, तो वो सब ये अपने ही किसी अपने ही दिमाग को क्लैरिटी नहीं है, पहले तो ये खुद क्लैरिटी क्लियर करना चाहता है अपने माइंड को, इसे चाहिए क्या अपनी लाइफ से, ठीक है। तो इसे थोड़ा आत्म मंथन करने का टाइम चाहिए, वो आप इसे दीजिए। चलिए कुछ लव मैसेजेस ले लेते हैं। पाइल नंबर टू, पाइल नंबर टू, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। ये आना चाहता है लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, पाइल नंबर टू। चलिए गिविन गिविन माई टच फॉर माई टेस्ट फॉर माई लस्ट, तो अट्रैक्शन तो है यहाँ, ऐसी बात नहीं है कि इस इंसान को अट्रैक्शन नहीं है आपसे। आई फील सो मच जॉय विद यू, इट्स लाइक आई एम किड अगेन, तो आपके साथ ये इंसान काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है, बच्चों जैसा फील करता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आई एम टेकिंग माई टाइम, वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, ये इंसान अभी इसको वक्त चाहिए, स्टार्टिंग ही आपको मैसेज मैंने बता दिया है, ये इंसान को थोड़ा वक्त चाहिए, टाइम चाहिए, ठीक है। तो वो मैसेज था, नो वन लाइट्स मी अप एंड इंस्पायर मी लाइक यू डू, आप इस इंसान को किसी ना किसी वे में पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, इंस्पायर करते हैं। आई हैव ट्राइड टेलिंग यू द ट्रूथ सो मेनी टाइम्स बट आई जस्ट कैन नॉट फॉर सम रीजन, तो
तो ये इंसान क्यों बात नहीं कर रहा, वो कुछ भी एक्सप्लेन अभी आपको नहीं कर रहा है। आई नो यू आर माई अदर हाफ, इस इंसान को पता है कि आप ही उनके लिए राइट पार्टनर हैं। एंड लास्ट, आई मिस यू मोर देन यू नो। तो अगर आपको लगता है ये इंसान मिस नहीं करता, तो ऐसी बात नहीं है। ये इंसान थिंकिंग तो करता है आपके बारे में, ठीक है, थिंकिंग तो बहुत करता है आपको लेकर। चलिए डिवाइन की तरफ से इस रिलेशन के लिए एडवाइस लेंगे। इस रिलेशन के लिए डिवाइन की क्या एडवाइस है? इनडिसीजन, तो अभी यहाँ कोई डिसीजन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, अभी स्टैग्नेंट फेज है, कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है इस कनेक्शन को लेकर, तो डिसीजन की कमी है यहाँ। चलिए आप लोगों के लिए एक पर्सनल एडवाइस ले लेती हूँ मैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आया है। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। तो अगर आप अभी अगर अपना सर पकड़ के बैठे हैं कि क्या करूं मैं इस सिचुएशन का, तो यहां आपको हिदायत दी जा रही है लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। अब कई लोगों के पास घर भी नहीं होता, कई लोगों के पास खाने को भी नहीं होता, तो आप अगर सिर्फ इसलिए रो रहे हैं कि रिलेशन की सिचुएशन अभी सही नहीं है, तो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो देखने चाहिए अपनी लाइफ के, कि हाँ किस एरिया में भगवान ने मुझे दिया है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। तो यहाँ पे है कि जो छोटी छोटी खुशियाँ आपकी लाइफ में हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, ठीक है, फ्रेंड्स हैं अगर अच्छे, तो उनको अप्रिशिएट कीजिए, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। तो हर चीज़ में अच्छी चीज़ ढूंढने की, गुड चीज़ मतलब सीक गुड, ठीक है, तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी को ढूंढना शुरू कीजिए, रादर देन अपना सर पकड़ के इस तरीके से मत बैठिए। इस तरीके से नेगेटिविटी और आती है लाइफ में, जितना आप थैंक यू बोलेंगे, जितने आप पॉजिटिव साइड को देखेंगे, उतनी पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में। तो ये एडवाइस थी। चलिए कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।